सुप्रभात मित्रों, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। 97141385 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, यूपीपी, लेखपाल आदि के नोट्स प्राप्त करके अपनी सफलता को सुनिश्चित बना सकते हैं। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और बताते हैं आपको कि क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ होने वाला है। यूपी टेट की परीक्षा, यूपी टेट 2022 आपकी 23 जनवरी को प्रस्तावित है और 23 जनवरी को ही ये परीक्षा नियत तिथि पर कराई जाएगी। तो यदि आप भी आप इस बात को लेकर के आशंकित थे कि हो सकता है परीक्षा टल जाए, तो आप इस भूल में ना रहें। आप अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दीजिए और 23 तारीख को ही टारगेट करके आप जो है मतलब अपनी तैयारियां सुनिश्चित करिए, ठीक है। अगली जो सूचना है वो है आपके एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का पूरा शेड्यूल वो तैयार हो चुका है और आपको 26 जनवरी के बाद एडेड जूनियर का पूरा शेड्यूल देखने के लिए मिल सकता है। पहली ऐसी सूचना थी कि जो कि मतलब हो सकता है कि ये पेपर रद्द करके फिर से कराया जाए, लेकिन अब 1598 पदों पर सहायक अध्यापकों की भर्ती वो कंप्लीट की जाएगी। इसका फाइनल डेटा वो एनआईसी तक पहुंच चुका है और एससीईआरटी ने भेजा था। जो डेटा लापता हो गया था वो डेटा पता हो चुका है, तो बहुत जल्दी ही इसका पूरा विस्तृत कार्यक्रम, आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट, ये सारी चीजें आपके सम्मुख आएंगी 26 जनवरी के बाद, ठीक है। अगली जो सूचना है वो है आपकी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर के। बहुत सारे विद्यार्थी इस बात को लेकर के सवाल करते हैं कि सर कितने पदों पर जो है अध्याचन प्राप्त हुआ है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं। जीआईसी प्रवक्ता के लिए 1990 पदों पर अध्याचन प्राप्त हुआ है और एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए 6981 पदों पर अध्याचन लोक सेवा आयोग को प्राप्त हुआ है। 4560 पद पहले के आपके थे, तो लमसम आपके 11000 से अधिक पदों पर जो विज्ञापन आने की संभावना जताई जा रही है। जैसी कि सूचना लोक सेवा आयोग से प्राप्त हुई है, वहां इतनी चीजें स्पष्ट हैं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि जो चीजें जो अध्याचन हमें प्राप्त हुए हैं उनमें सर्वाधिक पद आपके एसएसटी में, विज्ञान में, संस्कृत में, गणित में, हिंदी में, अंग्रेजी में, शारीरिक शिक्षा, गृह विज्ञान में, मतलब जो मुख्य मुख्य विषय हैं उनमें पदों की संख्या लमसम आपके जो है वो 800 से ऊपर, किसी में 1200 से ऊपर, ऐसे पदों की संख्या उन्होंने बताई थी। और यही हाल आपका जीआईसी प्रवक्ता में भी है। किन्हीं किन्हीं विषयों में पदों की संख्या 70 प्लस है और किन्हीं किन्हीं विषयों में पदों की संख्या 100 प्लस है, ठीक है ना। तो आपको अपनी तैयारियों को एक नया मुकाम देना है। सबसे बड़ी चीज यह है कि जब परीक्षाएं नहीं होती तो विद्यार्थी ये कहते हैं कि परीक्षाएं हो, परीक्षाएं हो, और जब परीक्षाएं होने लगती हैं तो विद्यार्थी मांग करते हैं परीक्षाएं निरस्त हो, परीक्षाएं निरस्त हो। यही है आजकल कुछ पीसीएस मेंस को लेकर के, आपके यूपी टेट को लेकर के, आपके जीआईसी प्रवक्ता मेंस को लेकर के और अन्य भर्तियों को लेकर के विद्यार्थी लगातार मांग कर रहे हैं कि परीक्षाएं निरस्त कर दी जाए। पहले तो यह परीक्षा कराई जाए, फिर परीक्षाएं निरस्त कर दी जाए, है ना। तो ऐसा नहीं होता कि कोई भी भर्ती बोर्ड आपकी इच्छा के अनुसार कार्य करेगा कि जब आप चाहें तब विज्ञापन आए, जब आप चाहें तो आवेदन हो, जब आप चाहें तो परीक्षाएं हो, जब आप चाहें परीक्षाएं निरस्त हो, ऐसा नहीं होता है। हर भर्ती संस्थान अपने शेड्यूल के मुताबिक, अपने तय कार्यक्रम के मुताबिक कार्य करता है और जाहिर सी बात है कि वो कार्य अपने ही मन के मुताबिक करेगा। यूपी टेट भी आपका होगा, पीसीएफ मेंस भी आपका होगा और आपका जीआईसी प्रवक्ता भी नियत टाइम पे होगा, क्योंकि लोक सेवा आयोग ने भरपूर तैयारियां इसके लिए कर ली है। सबसे अहम मुद्दा यह है कि टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन कब तक। कल उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में एक वरिष्ठ मेंबर से बात करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनसे बातचीत में यही तथ्य निकल करके सामने आए कि विज्ञापन हमने तैयार कर लिया है, ये समायोजन का जो मुद्दा है, अवशेष पैनल 2013-2016 का जो मुद्दा है,
टीजीटी पीजीटी वेटिंग लिस्ट 2021 का जो मुद्दा है, लगभग 10% तो फाइनल कर ही चुके हैं, जो थोड़ी बहुत कुछ विषयों में बाकी हैं उनमें सारी चीजें जो है क्लियरेंस में चली जाएं। समायोजन के लिए 833 विद्यार्थियों की सूची तैयार की गई है, तो जाहिर सी बात है उनका समायोजन भी 20 जनवरी तक हो जाना है, क्योंकि ये पुरानी भर्ती है, इस पर चुनावी आचार संहिता का कोई प्रभाव नहीं है। उसके बाद आपको नया टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और जाहिर सी बात है कि नया विज्ञापन होगा तो नए कलेवर में होगा, नई चीजों के साथ होगा, नए परिवर्तन के साथ होगा। परिवर्तन जो चीज होगी उसमें आपको SST में समाजशास्त्र और शिक्षा शास्त्र देखने के लिए मिलेगा, उसमें आपको कंप्यूटर साइंस का एक नया विषय मिलेगा, उसमें आपको बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी और नैनो बायोलॉजी, ये सारी चीजें PGT बायोलॉजी में देखने के लिए मिलेंगी। उसमें इस बार BTEC वाले विद्यार्थी मैथ के लिए अप्लायर नहीं होंगे, ये भी परिवर्तन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो जाहिर सी बात है ये सारी चीजें आपके लिए होने वाली हैं, ठीक है ना। और ये एक सुखद परिवर्तन है, एक सुखद एहसास है कि आप इन सारी चीजों में जो है अप्लायर होंगे। और जिन विषयों में आज तक पदों की संख्या कम रहती रही है, जैसे आपका कृषि हो गया, कॉमर्स हो गया, संगीत हो गया, है ना, इन विषयों में भी, इस उर्दू हो गया, इन विषयों में भी इस बार पदों की अच्छी खासी संख्या होगी। कम से कम नहीं तो आपको 400 से 450 पद, किसी किसी विषय में 650 पद आपको देखने के लिए मिलेंगे। जैसे कॉमर्स की मैं बात कर लूं तो कॉमर्स में भी इस बार लगभग 350 पद वो जो है आपको देखने के लिए मिलेंगे। मैं LT की बात कर रहा हूं, LT ग्रेड की। उर्दू में भी 110 प्लस पद आपको देखने के लिए मिलेंगे, 110 से अधिक पद आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो जाहिर सी बात है पदों की संख्या पर्याप्त है और आपको एक सीट सुनिश्चित करनी है। बहुत सारे नेता, बहुत सारे लोग वादे कर रहे हैं चुनावी मैनिफेस्टो में अपने क्या क्या शामिल करेंगे, वो तो ईश्वर ही मालिक है। और मैनिफेस्टो का कितना वो पालन करते हैं, कितना अनुपालन 5 वर्षों में हो पाता है, वो देखने वाली बातें होती हैं, है ना। मेरा चैनल किसी भी पार्टी विशेष को जो है सपोर्ट नहीं करता है, ना तो BJP को, ना सपा को, ना बसपा को, ना कांग्रेस को, किसी को नहीं। ये लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में आपको वोट करना है, आपको अपना पसंदीदा प्रत्याशी चुनना है। हमको किसको वोट करना है वो हम जानते हैं अच्छी तरीके से, आपको किसे वोट करना है वो आप अच्छी तरीके जानते हो। लेकिन मैं आपसे एक बार कहूंगा कि चुनाव के वक्त, वोट देते वक्त आप एक बात का हमेशा ख्याल रखिएगा कि सभी चीजों को कंपेयर कर लीजिएगा कि क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ होना चाहिए और क्या कुछ होने वाला है। क्योंकि आपने सभी की शासन सत्ता देख ली है, मायावती जी की भी देख ली, अखिलेश जी की भी देख ली और योगी आदित्यनाथ जी की भी देख ली, है ना। तो जाहिर सी बात है जो चीजें, अगर आपको कुछ परिवर्तन लगे, अगर आपको कुछ चीजें अच्छी लगे, तो जाहिर सी बात है आप किसी भी को चुन सकते हैं जो कि आपके काम आ सके, आपके भविष्य के काम आ सके, आपकी समस्याओं का निदान कर सके। चलिए अगले खबर की तरफ बढ़ते हैं। यूपी में कांस्टेबल की 26,000 पदों पर वैकेंसी का विज्ञापन, वो आपको लास्ट जनवरी तक, जैसा कि मेरी पूर्ववत सूचना थी कि 25,000 से अधिक पदों पर यूपी कांस्टेबल की भर्ती होगी, तो जाहिर सी बात है अब उन चीजों को बल मिल गया है। आज पुलिस प्रोन्नति बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया कि हम जो है फरवरी माह में नई भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट करने चल रहे हैं, जिसमें 26,000 से अधिक पुलिस कांस्टेबल और फायरमैन की भर्ती की जाएगी। तो जाहिर सी बात है एक बार फिर से सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल की बात सत्य हुई है।